Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. विभागों के बंटवारे के बाद अब मोदी कैबिनेट 3.0 पूरे एक्शन मोड में है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर में विभागों की कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 71 मंत्रियों की ऐसी फौज खड़ी की है जिसमें 43 एक्सपीरियंस्ड मंत्री हैं जो कम से कम 3 बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो मोदी सरकार में पहले भी काम कर चुके हैं, यानी कि उन्हें मंत्रालय के कामकाज का तजुर्बा है। 6 मंत्री ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्रालय मिला है, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय सौंपा गया है, शिवराज सिंह चौहान के खाते में कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय है, निर्मला सीतारमण के पास पिछली बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री नियुक्त किया गया है। सिंधिया ने 11 जून को साउथ ब्लॉक में कार्यभार संभाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पोर्टफोलियो और सौंपा गया है जिसमें संचार विभाग के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूर संचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी, हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए।